अस्सलाम वालेकुम गाइस, कोई भी चीज़ ख़राब हो अगर आप उसको अच्छे से चेक कर ले कि हाँ ये चीज़ ख़राब है, उसके बाद आप उसको चेंज करते हैं तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेटिस्फेक्शन देखने को मिलती है, आपको सुकून मिलता है कि हाँ ये चीज़ मेरी ख़राब थी उसके बाद मैंने इसको चेंज किया है। अब कुछ ऐसे ही होता है हमारी बाइक के रेक्टिफायर को लेकर, बहुत सारे लोगों की जो हेडलाइट है उसमें प्रॉब्लम आती है कि उनका जो बल्ब है वो बार बार जल जाता है। अब उस केस में मैक्सिमम लोग बल्कि सारे लोग यही करते हैं कि जो बाइक का रेक्टिफायर है वो चेंज कर देते हैं और जो बाइक का पुराना सरावा बल्ब है उसको निकाल कर नया बल्ब डालकर आपको भेज देते हैं। कुछ दिन बाद आपका जो बाइक का हेडलाइट का बल्ब है वो दोबारा जल जाता है। आप आते हैं तो वो दोबारा चेक करते हैं कि नहीं इस बाइक का हाँ जो हेडलाइट का होल्डर है वो उसमें इशू है या हेडलाइट का जो बटन है वहाँ से स्पार्किंग हो रही है, जबकि आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि आप ये चीज़ें चेक कर रहे हैं लेकिन मेरे बाइक का क्या पता जो पिछला जेनुअन जो रेक्टिफायर था वो भी ठीक था, वो भी मेरा ज़ाया हो गया, जो नया मैंने लिया इस पर पैसे खर्च किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये काफ़ी ज़्यादा आती है। अब कुछ चांद देख जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना वो रेक्टिफायर को चेक करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। आपकी बाइक में जब भी हेलर के जो बल्ब है वो बार बार सड़ जाता है तो आपने सबसे पहले चेक रेक्टिफायर करना होता है, चेंज नहीं करना होता, आपने चेक करना होता है। अब इसको चेक करने के लिए जो महंगे महंगे आते हैं ना वोल्ट मीटर वो आपको नहीं चाहिए, आप घर पे इसको इजीली चेक कर सकते हैं। आपको जस्ट एक ऐसा बल्ब चाहिए होगा, ये बल्ब हो या कोई भी डीसी बल्ब हो, ठीक है। मेरे पास इस वक्त ये बाइक का जो मीटर है ना उसका ये बल्ब पड़ा हुआ है, सबसे सस्ता था इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये आपको 20 रुपये का मिल जाएगा, या आपके पास घर में पुराना पड़ा था आप ले लें, या कोई भी ऐसी लाइट जो कि डीसी हो, ठीक है, डीसी लाइट हो। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है वैसे ये बाइक के जो स्पेयर पार्ट दुकान होते हैं वहाँ से इजीली मिल जाता है, तो आप कोई भी टूटा हुआ जो शारा है इसका बल्ब ठीक हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मीटर का बल्ब यहाँ पर यूज़ करके आपको बताऊंगा कि आपने ये चेक कर लेना कि आपकी बाइक का जो रेक्टिफायर है ये ठीक है या नहीं है। चेक करने के बाद अगर आप इसको चेंज करेंगे ना तो फिर आपको सुकून मिलेगा, गारंटी होगी कि हाँ यार ये चीज़ खराब थी, मैंने ये चीज़ नहीं डाली है। चेक करने का तरीका हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसको चेक कर लेते हैं। रेक्टिफायर सबसे पहले आपने ढूंढना है आपकी बाइक में लगा कहाँ हुआ है। कुछ बाइक का सीट के नीचे होता है तो आपने सीट खोलनी है, प्रोसीजर सेम ही होगा। मेरे इस बाइक में यहाँ लगा हुआ है जो कि बहुत सारे बाइक्स के यहाँ पर भी लगा होता है, तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं। प्रोसीजर दोनों का सेम ही है। सबसे पहले स्टेप में इस क्लिप को आपने इस तरीके से तार देना है, ठीक है। बल्ब की कोई भी एक वायर लेनी है आपने, जो येलो कलर का जिस सुराख में येलो कलर की वायर जा रही है ना यहाँ पर आपने अटैच कर देनी है इस तरीके से। बल्ब की कोई भी एक वायर येलो कलर की, येलो कलर का जो सुराख है उसमें, ठीक है, जहाँ पर येलो कलर की वायर जा रही है, और ये दूसरी वायर को जिस भी सुराख के अंदर ग्रीन कलर की वायर जा रही होगी ना, जैसे कि मेरी ये इसमें जा रही है, ठीक है, इस ग्रीन के अंदर लगा देनी है। दोबारा से बताता हूँ, बल्ब की कोई भी वायर, कोई भी एक वायर अटैच कर देनी है ये येलो कलर के क्लिप के अंदर सुराख के अंदर, और दूसरी आपने अटैच कर देनी है ये ग्रीन कलर के सुराख के अंदर। अब आपने इसको बंद नहीं करना, आपने बाइक को करना स्टार्ट। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता ताकि आपको रोशनी आना जो बल्ब की वो नजर तो आए कैमरे में। फर्स्ट स्टेप में आपने ये बल्ब को अटैच किया, सेकंड स्टेप में आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। मैं हाथ से बढ़ा देता हूं, ठीक है, या आपका दोस्त आप उसको कह सकते हैं कि रेस भी देकर रखे। मैं यहां पर थोड़ी सी ये इसको बढ़ाता हूं। अब करना है बाइक को स्टार्ट। आप ये देखिए ये क्लिप उतरा हुआ है, आपने इसको लगा के देखना है, ये रखिए, ठीक है। लगाने से रोशनी कम हो रही है और उतारने से ज्यादा हो रही है। अगर लगाने से रोशनी कम हो रही है ना इसका मतलब ये कि आपका रेक्टिफायर ठीक है, आपके हेडलाइट में रेक्टिफायर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर ये उतारने से और लगाने से कोई फर्क नहीं पा रहा है, यानी कि ये लगाने के बावजूद भी रोशनी ज्यादा ही है इसकी और उतारने पर भी वैसी है, दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपका रेक्टिफायर खराब है, तो आप इसको चेंज कर देना, ठीक है। लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है, ये जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये देखिए रोशनी कम हो रही है, लेकिन रेक्टिफायर जो है वोल्टेज कम करके ही हेडलाइट को दे रहा है, क्योंकि ये पीली वायर होती है हमेशा हेडलाइट की, तो ये रेक्टिफायर इसके यहाँ पर ठीक है, ठीक है। दोबारा से आप रेस को जो है वो बराबर से काले जैसे पहले थी, बस यही था, ठीक है, ये ऐसा आप ऐसे चेक करना होता है। अच्छा, ये इनको आप वापस उतार लें, ये तो हो गया इसके लिए। अब इस रेक्टिफायर के दो काम है, एक काम तो मैंने बता देना कि हेडलाइट को जो है वोल्टेज पूरे करके देना, यानी कि ज्यादा ना देना, एक हद तक देना। अब रेक्टिफायर का एक और काम भी होता है, वो काम क्या होता है कि बैटरी चार्ज करना। अब उसमें भी बहुत सारे लोग इसको बैटरी चार्ज नहीं होते, लोग इसको चेंज कर देते हैं। आपने इसको चेंज करने से पहले आपने चेक करना है कि रेक्टिफायर का प्रॉब्लम है कि नहीं है बैटरी के बारे से, तो आपने उसमें क्या करना है कि बाइक को स्टार्ट करना है, यानी कि बाइक को स्टार्ट करने से पहले बल्कि आपने वही बल्ब लेना है, एक बार आपने अटैच कर देनी है ये ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, और दूसरी बार को आपने अटैच कर देना है रेड कलर के ये इस तरीके से इसके रेड कलर के बीच में। ये करने के बाद आपने फिर इसको इस तरीके से लगा देना है अंदर, ठीक है, उतारना नहीं है। लगाने के बाद आपने चेक करना है कि अगर आपकी बाइक को स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट करने के बाद आपने चेक करना है अगर ये बल्ब जाइए चल रहा है ना, बल्ब चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बाइक की जो बैटरी वो चार्ज हो रही है, इसका मसला नहीं है। फिर आप देखेंगे जो वायर जा रही है वायरिंग में इशू हो सकता है, फिर इसका मसला नहीं है, ठीक है।
अगर ये रेड कलर के बारे में करंट नहीं आ रहा, यानी कि ये आपका बल्ब भाई ये चल नहीं रहा स्टार्ट करने पर, इसका मतलब ये है कि आपका जो रेक्टिफायर है वहां पर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा, तो ये रेड वायर से हमें चेक करना होता है। तो बस फ्रेंड जी मैंने आपको बता दिया है, ऐसे आप इन दोनों चीजों को चेक कर सकते हैं। रेक्टिफायर के दो ही काम होते हैं, बैटरी को चेक करने वो मैंने बाद में बता दिया है, और पहले मैंने आपको बताया कि आपने जो हेलमेट का प्रॉब्लम है वो आ रहा है, आप कैसे जो है वो रेक्टिफायर का प्रॉब्लम है या नहीं है इसको आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो बस फ्रेंड यही था आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।